4.3 का सुन लो ध्यान से, 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा सवाल पढ़ो, क्या कहा गया? ये कहा गया बात बराबर चार और सात लेना चाहिए। नहीं, ये कहा गया एक बटा एक्स प्लस के चार, उसके बाद लिखा हो माइनस एक्स बटा सात, बोर्ड पर देख लेना 11/30। यू कह रहा है x का मान निकालना, ऊपर ही सवाल में कह रखा है x का द्विघात समीकरण के मूल याद करने के, x का मान माइनस के चार और सात नहीं होना चाहिए, ये कह रखा सवाल, बाकी कुछ 11/30 ही तो हो। उसके बाद सवाल में यू कह रखा, देख लो क्या कह रखा, 4.3 पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने सारा पढ़ा दिया 4.3 तो पहले तुम कौन कौन सा, दूसरा सवाल मैंने छुड़वा रखा इसमें, कह रखा जहां द्विघाती सूत्र का प्रयोग करिए, जो द्विघाती सूत्र है ना उसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र ही द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र ही श्रीधराचार्य सूत्र हो, समझ, द्विघाती जो सूत्र हो ना उसका फॉर्मूला वहां लगाओ जहां द्विघात समीकरण के टुकड़े नहीं होते। जो तुम ये पढ़ रहे हैं ना ये तुम्हें आने कहां आने वाला है अग, क्यों, क्योंकि मैं अग लास्ट में जाते जाते वो भी बताऊंगा जो पेपर में इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आई बात, वो से पहले बता भेजो, तुमने एक बार पढ़ रखा तो और अच्छे समझ में आएगा, प्रैक्टिस लेकिन सारी करनी पड़ेगी, सवाल लेकिन नहीं छोड़ना एनसीईआरटी का, एक भी सवाल, सारे सवाल लेना चाहिए तुमसे खुद, कोई से भी तुमसे करा लो, सबके तरीके बताना चाहिए। आ जाओ करते हैं सवाल की, सवाल करते हैं नाम शांति के साथ, यहाँ तो उठ जाए बैठ जाए, चले कोई दिक्कत भी हो जाने का, चले तो हमें इसकी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी। अब देखो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम कैसे लेंगे, पहले इनकी इसकी इसमें गुणा कर देंगे, जब इसकी इसमें गुणा करोगे x की x में गुणा करोगे x स्क्वायर, x की माइनस के साथ गुणा करोगे माइनस के साथ x, उसके बाद 4 के x में गुणा करोगे 4x प्लस के प्लस माइनस माइनस 7 चौक कितना 28, बताओ कैसे समझ में आएगा, नहीं इसके हमने इसमें गुणा कर दी, पहले x के दोनों में गुणा करी ये आया, फिर 4 के दोनों में गुणा करी ये आया, अब इस वाले की इसमें गुणा कर दो, x माइनस है कितना 7, चिन्ह क्या का माइनस का, अगले वाला पर आइटम लिख लियो क्योंकि यहाँ माइनस है, एक्स प्लस कितना जाएगा 4, सेम इसकी इसमें गुणा कर दिया बराबर कितना 11/30 है, नहीं 11/30 कोई दिक्कत है यहाँ तक, माइनस कहाँ चला जाएगा अंदर, एक्स माइनस के साथ माइनस के एक्स माइनस के 4 अपॉन क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस नहीं होता, घटाना पड़ता 7x में 4x घटाओगे 3x ही बच जाएगा, माइनस के 28 बराबर 11/30 कोई दिक्कत है यहाँ तक, अब बताओ एक माइनस का एक प्लस का कट नहीं जाता, धड़ दिक्कत हो कुछ, माइनस माइनस प्लस 7 और 4 कितना 11, वो भी माइनस के 11 बटे में कितना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11 बटे में 30, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 इसके इसमें गुना कर दो, इसके इसमें गुना कर दो, तो गुना कर दो कितना दिखा देगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर उसके 30 एकम 30 माइनस के, देखो क्या हुआ, ये इतना पोर्शन था ना इसकी एक गुणा करके इधर लिख दिया और इसकी इसमें गुणा करके इधर लिख दिया, अब हम क्या करेंगे माइनस का ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 30 मतलब 28 घटाओ 2 वो भी प्लस के बराबर में 0, 2 कैसे टुकड़े नहीं जोड़ो 3 आता हो तो 2 और 1 टुकड़े नहीं होगा, तो वो वाला सूत्र लगा, अगर ऐसे नहीं कर सकते ना तो द्विघातचार्य का सूत्र भी लगा सकते, देखो कैसे करेंगे, इसे करने के दो तरीके हों, नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 ये बराबर 0, इसमें हल करके एक्स के 2 मान निकालने, तो वो तो मैंने सिखाई रखा तुम, 2 एकम 2 ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ोगे 3 आता हो, तो 2 और 1 टुकड़े होंगे, 2 में 1 जोड़ोगे 3 बैठेगा और 2 के 1 गुणा करोगे 3 वो 2 के 1 गुणा करोगे 2 ही आ जाएगा, तो इसे ऐसे भी कर सको या नहीं तो फिर द्विघातचार्य सूत्र तो ऐसा 3 क्यों क्या लिख सको 2 प्लस के 1 लिख नहीं सकते, प्लस कितना 2 बराबर कितना 0, एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा कर दो कितना बैठेगा 2x माइनस प्लस कितना हो माइनस अंदर गुणा कर दो एक्स प्लस कितना 2 बराबर कितना 0, दो नीचे लाइन खींच देंगे दोनों नीचे लाइन, ऐसी चीज बताओ जो इसके अंदर भी इसके अंदर भी एक्स एक्स कॉमन ले लिया, चलो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया है कि एक्स नहीं बच जाएगा, एक्स तो कॉमन ले लिया यहाँ कितना बच जाएगा 2, ऐसी चीज देखो जो इसके अंदर भी माइनस के
एक्स को मान लेते हैं एक्स बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक दोनों कितना बच जाएगा दो, बराबर कितना जीरो। और जो जो सेम सेम होगा सही बार नहीं लिख देंगे, एक्स माइनस के दो बराबर जीरो मान लेंगे इसके, इसे से इकट्ठा करके लिख देंगे एक्स माइनस के एक बराबर जीरो। ये तो बताया था भाई जो चीज सेम होगी उसे कितने बार लिख देंगे, एक बार उसके बराबर जीरो मान लेंगे, इसे से इकट्ठा करके लिख देंगे एक्स माइनस के एक बराबर जीरो। तो माइनस का ये एक्स एक्स बराबर जाएगा यहाँ तो दो, एक्स का मान दो जाएगा, क्यों माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक्स ये एक माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, एक्स बराबर कितना जाएगा एक, कोई प्रॉब्लम? एक्स का मान ये कितना आया, एक आया दो, एक आया एक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक दो तरीका होगा, अगर इस सवाल को ना मुझे द्विघाती सूत्र करना हो, धाराचार्य की सूत्र करूं तो उसका भी आंसर एक और दो ही आगा, वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, देख लो एक बार, देख लो सब बच्चा लोग कि धाराचार्य इस हम कैसे करेंगे। सेकंड मेथड देखो उसका, सेकंड मेथड दूसरा तरीका, अभी बताओ धनाचार्य का क्या सूत्र लिखवाया था उस दिन, ax पहले समझ लो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर जीरो, इस तरह की द्विघात समीकरण दे रखी हो, अगर उसमें हल्का अगर हमारे पर टुकड़े करने नहीं आते, इस तरह हमारे पर नहीं करना आता तो हम इसका भी प्रयोग करके निकाल सके, ये बच्चे पे इस तरह नहीं हो रहा। अगर ऐसी द्विघात समीकरण मैंने कहा चल करके चलो एक्स के दो मान निकाल लो तो नहीं निकल रहा ना, इस वाले सूत्र तो निकाल लो, ये वास्ते इससे भी आसान है। देखो कैसे निकाल लोगे, सूत्र पहले ए का मान निकालना पड़ा, आज समझ फिर बी का मान निकालना पड़ा, फिर सी का मान निकालना पड़ा, यही सूत्र लगाना पड़ा, यही द्विघाती सूत्र, धनाचार्य का सूत्र भी सही बोलते हैं, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन टू ए, यो हो धनाचार्य का सूत्र। इस हल करने के बाद भी x के दो मान निकलते दिखा देंगे, आओ मैं इस वाली समीकरण करूंगा ना तुम धनाचार्य के सूत्र से निकल कर दिखाता हूँ, इस वाली समीकरण तुम धनाचार्य के सूत्र से करके दिखाता हूँ, आओ करके दिखाते हैं। बताओ इसमें ए का मान कितना, एक नहीं है, और बी का मान कितना माइनस के तीन, और सी का मान कितना दो, ए का मान बताओ कितना, ए का मान एक, बी का मान कितना माइनस के तीन, और सी का मान कितना दो, इस सूत्र में ठाकर भरो एक्स बराबर माइनस बी, ये तो माइनस, ये तो सूत्र में माइनस लेकिन बी का मान भी माइनस में, तो माइनस वाला फिर ब्रैकेट में रखेगा ना, देखो यहाँ तो पहले थे माइनस लेकिन बी का मान भी माइनस में, तो उसे ब्रैकेट में रखेगा ना, आया समझ में, रूट उसके बाद क्या लिखना है बी का स्क्वायर, तो बी का मान माइनस के तीन ना, तो माइनस के तीन का स्क्वायर चार गुना ए का मान कितना एक, गुना सी का मान कितना दो, पूरे के बट्टे में लगाओ, पूरे के बट्टे में कितना लिखोगे दो, गुना ए का मान कितना एक, अभी से हल करोगे एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तीन प्लस माइनस रूट तीन का स्क्वायर करेंगे नौ दिखा देगा, कितना जाएगा नौ, उसके बाद माइनस चार दोनों कितना बैठेगा आठ, पूरे के बट्टे में कितना बैठेगा दो, उसके बाद एक्स बराबर तीन प्लस माइनस नौ में आठ घटाओ कितना बैठेगा एक, एक का रूट तो एक किया जाएगा बट्टे में कितना दो, आ जाओ यहाँ कर रहा हूँ देख लो एक्स बराबर, रुक जाओ बात करो, एक्स बराबर कितना लिखा हुआ तीन प्लस माइनस एक का रूट एक बट्टे में कितना दो, तो एक बार तो यहाँ प्लस का दो, यहाँ दो चिन्ह, एक तो प्लस का एक माइनस का, एक बार यहाँ प्लस का चिन्ह लेंगे एक्स का एक बार निकल जाएगा, फिर एक बार यहाँ माइनस का चिन्ह लेंगे एक्स का दूसरा मान निकल जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो जी बच्चे को टुकड़े करने में प्रॉब्लम हो ना इस वाले सूत्र का प्रयोग कर ले करो, जी बच्चे टुकड़े नहीं हो रहे इस तरह करोगे तो इस वाले सूत्र का प्रयोग कर ले करो, ये भी आसान होगा। देखो कितना बैठेगा एक्स बराबर तीन प्लस कितना एक, पूरे के बट्टे में कितना दो, एक्स बराबर तीन हो रहे कितना चार, चार बटे दो कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना दो, उसके बाद यहां देखो एक्स बराबर यहां लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, चुप हो जाओ, एक्स बराबर तीन माइनस के एक, एक बार तो यहां प्लस का चिन्ह लिया एक यहां माइनस का चिन्ह ले लेंगे, एक्स बराबर तीन में से एक घटाएंगे कितना जाएगा दो, दो एकम दो कट के एक्स का मान कितना आया एक, एक्स का मान एक आया दो आया, तो इस बार ऐसे भी तो दो एक आया था, ऐसे भी दो एक आया था, दोनों तरीके बताने चाहिए। अगर तुम्हें इस तरह की इस तरह की जो समीकरण है ना उसमें तुम्हें हल करने में एक्स के दो मान निकालने में दिक्कत हो रही तो बाबा जी का लगा दो सूत्र, आया समझ में, बाबा जी क्या लगाना सूत्र लगाना, कोई दिक्कत आएगा किसी बच्चे को लगा दो, ओके चलो क्वेश्चन नंबर चार पढ़ो, सब बच्चे क्वेश्चन नंबर चार पढ़ो, पढ़ने को कहा मन मन में पढ़ने को कहा, उसके बाद में सुरीली वाले पढ़ूंगा, 4.3 का क्वेश्चन नंबर चार रहमान वाला सवाल पढ़ो सब बच्चे लोग, एक बार पढ़ना चाहिए सवाल, चाहे आता भी हो जब भी पढ़ो, भाषा शैली का विकास होगा, ये मन मन हो मैंने युवा मन मन में पढ़ो, मन मन में पढ़ो सवाल, पढ़ लो बेटे पढ़ लो पढ़ लो, ये इश्क है क्या है
सवाल पढ़ो सुनो, ये कहा गया सवाल में, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से पांच वर्ष पश्चात, पांच वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग एक बटा तीन है, तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अजाओ अब जा, ये तो किताबी भाषा थी। कहा गया तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तीन साल पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब से पांच वर्ष पश्चात उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग एक बटा तीन है, तो बताना है कि वर्तमान समय में रहमान कितने साल का है। और हम आपको बताए थे इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट की जो लाइन होगी उस सबसे लास्ट की लाइन को एक्स मान लेना। इस सवाल में हमें यह नहीं पता कि रहमान अभी कितने साल का, हमें ना रहमान की प्रेजेंट एज नहीं पता, रहमान की हमें ना वर्तमान आयु बिल्कुल नहीं पता। तो जो रहमान की प्रेजेंट एज होगी ना, प्रेजेंट एज का मतलब वर्तमान आयु होगी, उसे ना एक्स मान लेंगे। यस और नो? हमें नहीं पता कि रहमान कितने साल का, और हम आपको इस चैप्टर में बताए थे सवाल के सबसे लास्ट में जो भी याद करना हो उसे चुपचाप जाओ एक्स मान लो। आया समझ में? तो आ जाओ, हमें नहीं पता कितनी, तो यहां लिखेंगे माना। ध्यान से क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे, चार, चार। माना रहमान की वर्तमान आयु, ऐसे लिखना पड़ेगा अगर बोर्ड में नंबर चाहिए तो। माना रहमान, रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक्स वर्ष, इंग्लिश में होता तो कैसे लिख के, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू एक्स इयर्स, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में होता तो। अब जरा एक बात बताओ, पता लग गया ना, खड़ा हो क्या बताया मैंने, खड़ा हो क्या बताया मैंने, चैप्टर क्या मानना है, क्या मानना एक्स है, क्या एक्स वर्ष है, क्या उसकी क्या खड़ा हो एक्स वर्ष, दोबारा देख लो भाई, देख लो इधर देख लो। माना रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, हमें पता नहीं कि रहमान कितने साल का, चौथा सवाल देख लो, समझो एक एक चीज पूछूंगा ना, तो जब तक सवाल खत्म नहीं होने का ना तब तक मैं कोई सा भी सवाल पूछ सकता हूँ नीचे तक लास्ट तक, एक एक चीज पूछूं, यहाँ क्या करा मैंने सवाल में, यहाँ क्या करा, यहाँ क्या करा, अब देख लो कैसे मैं चाहूंगा। तुम बहुत आराम से बैठे थे ना यहाँ, तो माना रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, जो सवाल की सबसे लास्ट की लाइन होगी ना जो मैं ज्ञात करना होगा उसे एक्स मान लेना, समझ में? कोई सा भी सवाल हो, चाहे हिंदी वाला कोई सा भी सवाल हो। इसके बाद ये कहा गया तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मान लो अभी रहमान एक्स साल का, तो तीन साल पहले उसकी आयु, मान लो अभी मैं 10 साल का हूँ, 10 नहीं, मान लो अभी मैं 20 साल का हूँ, तो तीन साल पहले मेरी आयु कितनी होगी बता दो मुझे, 17 साल। मान लो मैं 20 साल का अभी, आया समझ? मैंने कहा तीन साल पहले कितनी होगी मेरी आयु, तुम्हें कैसे पता लगा 17 साल, तुम इसमें तीन माइनस कर दे एकदम तुरंत आगे निकल के 17, आया समझ? मेरी वाइफ की, मेरी वाइफ की एज इस टाइम 22 वर्ष, कितनी 22 वर्ष, उसमें से मैंने कहा तीन साल पहले कितने की होगी, वह तुम्हें कैसे पता लग रहा है, तीन घटाया तुमने, ऐसे बजब घटाया नहीं तुमने, हम कहने लगे मैंने तो मैं इस टाइम एक्स साल का, तीन साल पहले कितने कहूंगा, तीन घटने का ही नहीं हो, तो इसका अंतर एक्स माइनस तीन ही जाएगा, ऐसे बजब। तो हम कहने लगे चलो बताओ इस टाइम रहमान की वर्तमान आयु कितनी, इस टाइम कितनी एक्स वर्ष, वर्तमान समय में रहमान की आयु कितनी है, तो तीन साल पहले कितनी होगी एक्स माइनस की तीन, यहां लिखेंगे तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तीन वर्ष पूर्व रहमान, पूर्व का मतलब वो पहले, पूर्व रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की आयु, रहमान की आयु लिखना सिर्फ वर्तमान नहीं, एक्स माइनस के तीन, और ये भी क्या जाएगा वर्ष, कोई दिक्कत अभी? अब देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछता हूँ तुमसे, अगर किसी चीज का व्युत्क्रम कर रहा हूं ठीक, ध्यान से सुनना, ये पांच, पांच का उल्टा क्या होगा, पांच का उल्टा व्युत्क्रम, किसी बच्चे को पता पांच का व्युत्क्रम क्या होगा, नहीं पता ना, ये तो कमियां और खामियां, तो पांच का उल्टा नहीं तो पता तुम्हें, ये दसवीं क्लास का बच्चा बैठा हुआ है, पांच का उल्टा नहीं पता, पांच का व्युत्क्रम क्या होगा, जिसके बटे में उनसे बटे में कितना हो एक, तो उसका अंतर होगा एक बटा पांच, देखा ये पूरी दसवीं क्लास के बच्चे यहाँ फेल हो जा। अब कहने लगे चलो बताओ छह का उल्टा क्या होगा, जिसके बटे में उसके बटे में कितना हो जाएगा एक बटा छह, तो जिसका उल्टा करना उसे एक के बटे में लेके चले जाते हैं, चलो तीन का उल्टा इसका करना, दो बटे तीन का उल्टा, तो दो बटे तीन साफ साफ दिखा दे रहा है, तीन बटे दो, तो जिसका भी उल्टा करना उसे इसके एक के बटे में ले जाते हैं। अब आप कहोगे किसे तो लेगे नहीं एक के बटे में, यही तो नहीं पता तुम, इसे भी मैं एक के बटे में लेगा तुम, लेकिन तुम्हें दिखाई दिया, आ जाओ दिखाऊं,
देखो इसे मैं एक बटे में लिखा, लेकिन तुम्हें दिखाई दिया, मैंने कहा मुझे दो बटे तीन का उल्टा करना, तो दो बटे तीन के एक बटे में ले जाना चाहिए, दो बटे तीन लेके नहीं गए, और तीन के एक गुणा कर देंगे, तीन निगम तीन और तीन बटे दो वही तो आ गए, ले गए थे उसे एक के बटे में। तो जिसका भी उल्टा करना हो उसे किसके बटे में ले जाते हैं, तो जिसका भी व्युत्क्रम करना हो, जिसका भी इन्वर्ट करना हो, जिसका भी इन्वर्स करना हो, व्युत्क्रम करना हो, उसे किसके बटे में ले जाते हैं। हम कहना है दौलतपुर का उल्टा करना, तो एक बटा दौलतपुर आ समझे, अब बीच पड़ेगा ले एक बटा बीच पड़ी अकवास नहीं करो बोर्ड पर देख लो चुपचाप। एस एन का उल्टा करना एक बटा एस एन, एस का उल्टा करना एक बटा एस, एन का उल्टा करना एक बटा एन, कर दोगे तो जिसका उल्टा करना हो किसके बटे में ले जाओगे। हम कहने लगे चलो बताओ, यहाँ देखो तुमसे पूछता हूँ, तुमसे जिससे पूछो सिर्फ बताएगा, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम करना, अगर मुझे इसका व्युत्क्रम करना है किसके बटे में ले जाऊंगा पक्का। यहाँ मैं तेरा क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो जब मैं यहाँ लिखूंगा ना व्युत्क्रम तो इसे उल्टा कर दूंगा फिर इसका, तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम बताओ कितना बैठेगा, एक बटा वर्ष, 16 वर्ष की होने को आएगा ना, सुना तो दिक्कत यहां तक, तो तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम एक बटा एक्सपीरियंस की तीन, कैसा है पता लग गया ना, पता लग गया ना, कोई प्रॉब्लम पता लग गया, खड़ो बताओ कैसा है, एक बटा एक्स माइनस की तीन क्यों करा ना, एक बटा एक्स माइनस की तीन क्यों लिखा मैंने, तू हटो अगला सवाल, ये तो तीन वर्ष पहले रहमान की आयु था, अब एक बात और सुनो अभी रहमान की वर्तमान आयु कितनी, एक साल, जिस बच्चे से मैं पूछूं सिर्फ वो बोल लगा, बताओ मैं पूछना चाहता हूं 5 साल बाद रहमान की आयु कितनी होगी, 5 साल बाद कितने, 5 साल पश्चात रहमान की आयु कितनी होगी, अभी मान लो मेरी आयु उस टाइम 15 साल, तो 5 साल बाद कितने का जाऊंगा मैं, 5 20 हो जाऊंगा, मैं कह लूंगा मेरी आयु उस टाइम 20 साल, तो 5 साल बाद कितने का जाऊंगा 25 साल का, मेरी वाइफ की आयु उस टाइम 22 साल, 5 साल बाद कितने हो जाएगी 27 साल, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, मान लो मेरी वाइफ की आयु उस टाइम एक्स, तो 5 साल बाद कितने होगा, जुड़ जाएगा फोन कह रहा जुड़ जाओ, एक्स प्लस की 5 ही रहेगा, कोई दिक्कत, तो ये बताओ इस टाइम रहमान की आयु कितनी, रहमान की आयु वर्तमान में कितनी इस टाइम एक्स, तो 5 साल बाद कितनी होगी, यहां लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में, पश्चात रहमान की आयु, तो कितना बैठता है एक्स प्लस 5 वर्ष, ये 5 साल बाद रहमान की आयु। अब मुझे इसका व्युत्क्रम करना, क्योंकि सवाल में कह रखा ना, सवाल में सिर्फ बातें लिख रखी, सवाल में क्या कह रखा हूँ, कह रखा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ये हो रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, फिर उसमें क्या रखा सवाल में, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब इसका व्युत्क्रम करना, पहले लिखोगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अब बताओ कितना बैठेगा, 1 बटा, समझ गया मैंने ऐसा क्यों करा, ऐसा सवाल में कह रखा पता लग गया, मैं पूछूंगा तुमसे 1 बटा x प्लस के 5 का मतलब क्या है, गुरुजी इसका मतलब 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यहाँ लिखा हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का, खड़ा 1 बटा x प्लस के 5 का क्या मतलब है, आयु का व्युत्क्रम, लेकिन नहीं बढ़ रहा भाई आयु का व्युत्क्रम, ध्यान नहीं आने तेरा करूंगा बैठ जा, बात समझ में आया, मैं पूछूंगा 1 बटा x, ये पता लगा क्यों करा मैंने, क्योंकि सवाल में कह रखा है ऐसा, ऐसा इसलिए करा, ये कहा गया जो 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इतना प्लस इतना दोनों का जोड़ सवाल में दिया गया 1/3, यहाँ लिखेंगे प्रश्न के अनुसार देख प्रश्न के अनुसार क्या कह रखा, अकॉर्डिंग टू ये कह रखा है जो इसका ये हो ना 1/x-3 जो 3, इसका मतलब समझिए क्या है 1/x-3 का मतलब, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम प्लस 1/x+ के 5, इसका मतलब समझे क्या, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का जोड़ कितना
1/3 क्यों दिया, पता लग क्या कहा था इस सवाल में दे रखा है 1/3। उसने खुद ही कह रखा सवाल में कि 3 वर्ष पहले रहमान के आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान के आयु का व्युत्क्रम, दोनों का योग 1/3 है। योग का मतलब जोड़ हो, ऐड हो। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, सवाल ऐसे ही पूछेगा जैसे हमने पीछे करे सवाल, ये इसे हल करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, उस हल करके फिर एक्स के मान निकाल लेंगे। जब एक्स का मान निकल जाएगा समझ जाओ पता लग जाएगा रहमान कितने साल का था वर्तमान में। समझ में आया बात? अब चलते हैं सवाल की ओर हम। चलिए इसे हल करते हैं भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? 6 नंबर का आने वाला सवाल है पेपर में। चलो आ जाओ सवाल कैसे हल करते हैं देखो। आ जाओ इसकी पहले इसमें गुणा कर दो एक्स प्लस 5 प्लस इसकी इसमें गुणा कर दो एक्स की, दोनों गुणा करो एक्स की एक्स गुणा करोगे एक्स स्क्वायर, एक्स की 5 गुणा करोगे 5x, एक्स की दोनों गुणा हो चुकी एक्स की एक्स स्क्वायर, एक्स की 5 गुणा करोगे 5x, 3 की एक्स गुणा करोगे 3x, माइनस प्लस माइनस 5 बराबर 1/3। कोई दिक्कत है? एक एक्स में एक एक्स जोड़ोगे कितना, इधर कर रहा हूं मैं, एक एक्स में एक जोड़ोगे 2x हो जाएगा, 2x 5 में से 3 घटा दो, 5 में 3 घटाओगे तो बैठेगा 2। कोई प्रॉब्लम है अंत तक? पता लग गया एक एक्स में एक एक्स जोड़ा तो कितना आया 2x, उसे 5 में से 3 घटाए तो कितना आया प्लस के 2। पढ़ो ये 2x कैसा आया, कैमरा करिए क्या ये 2 कहां से आया, ये 5 में से 3 घटाया बैठे तो। उसके बाद देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स वाले का एक्स वाले के साथ काम हो सकता होगा, 5x में 3x घटाओगे तो 2x, उसके बाद माइनस के 15 बराबर 1/3। इसकी किस गुणा कर देंगे इधर लिख देंगे, इसकी किस गुणा कर देंगे इधर लिख देंगे, क्या इधर लिख दो इधर लिख दो। पहले मैं इसकी किस गुणा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 15, क्योंकि एक की कहीं में गुणा कर लो सेम ही आने वाला, बराबर लगाओ 3 किस में गुणा करो 3 × 2 6x प्लस के 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सारी सारी चीजें इधर ले उठाकर, एक्स वाले के पास एक्स वाला लाना और जो खाली है ना उसके पास खाली वाले लेकर ले आना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 6x माइनस के 15 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक्स स्क्वायर सेम, 2x सेम, 6x प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस के 15 है, 6 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है माइनस, 6x में से 2x घटाएंगे तो माइनस के 4x बच जाएंगे, उसके बाद माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा 21 बराबर में 0। चाहे तो आप धनाचार्य जी का सूत्र लगा लीजिए, नहीं तो हम आपको टुकड़े करने वाला तो हम आपको बता रहे हैं। ओके अजय, 21 ऐसा टुकड़ा जिन्हें घटा के माइनस के 4 आता हो लेकिन गुणा करने के बाद 21 आता हो तो 7 और 3 नहीं होंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 7 का 3 में गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा। ओके चला जाओ टुकड़े कर देते हैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस यहां से ही पूछ लूंगा मैं कि बताया क्या बताया गया अभी, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 4 लिखा हुआ 7 माइनस 3, 7 में 3 घटाओ 4 बचेगा, क्या लिखा हुआ एक्स माइनस के 21 बराबर 0। कोई प्रॉब्लम है तक? उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर दो 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 21 बराबर 0। कोई दिक्कत यहां तक? लाइन 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 खींच दूंगा ऐसा करके, ऐसी चीज देखो जो इसके अंदर भी, इसके अंदर भी आपने बताया इसके अंदर एक्स मौजूद है जी, एक्स माइनस के 7 बच जाने वाला, ऐसी चीज देखो इसमें से 3 को मैं ले लिया एक्स माइनस के 7 बच जाए, दोनों चीज सेम नहीं आए, जो चीज सेम होगी ना एक बार लिख दो इसके बराबर 0 मान लेंगे, इसे से इकट्ठा करके लिख लो, यहां तो एक्स का मान आ जाएगा 7, 3 प्लस का तो जाएगा तो माइनस का, एक्स से कितने मान आए, एक्स का मान माइनस वाला छोड़ देंगे त्याग देंगे, माइनस वाला बता के त्याग देंगे, अगर एक्स का मान अगर हम कह रहे हैं रहमान की वर्तमान आयु कितनी माइनस के 3 वर्ष, कोई माइनस के 3 साल का हो जाएगा तो इसलिए से छोड़ देंगे, प्लस वाले को लेके चलेंगे तो एक्स का मान कितना आया, तो जब एक्स का मान 7 आया पता लग चुका है एक्स का मान 7 आया इसका मतलब रहमान अभी बच्चा ही है, चूजा ही है 7 साल का हो, ऐसे समझो रहमान कितने साल का, पता लग गया मैंने वो वाला क्यों छोड़ दिया, किसी व्यक्ति का आयु माइनस में हो सकता नहीं सकते ना, इसलिए मैंने यहाँ लिखेंगे लास्ट में जाकर, अतः वर्तमान रोहन की वर्तमान आयु अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो सब बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 5 ये सुनो अभी क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 मुख मुख में पढ़ना अंदर अंदर,
चले। एक लड़के का नाम है शेफाली, हाँ हो गया। एक लड़की है शेफाली, एक लड़की का नाम शेफाली है, उसने मैथ का और अंग्रेजी का पेपर दिया होगा भाई। सवाल समझा रहा हूँ, देख लो 4.3 का पांचवा सवाल है। उसमें क्या हुआ, मुझे मत सिखा, चुपचाप बोर्ड पर देख ले, कहीं देर दोनों का योग काट लो। मैथ और अंग्रेजी का जब उसने टेस्ट दिया होगा शेफाली ने, मैथ का और अंग्रेजी का, अंग्रेजी और मैथ दोनों का टेस्ट दे दिया, तो कुल मिलाकर नो सर 30 अंक प्राप्त हुए। कितने? 30। इधर साइड में कुछ कोने में समझ लो, पहले मैथ का और अंग्रेजी का टेस्ट दिया उसने, और दोनों मिलाकर 30 नंबर मिले सर। ये मिले सर नंबर दोनों मिलाकर, हमें नहीं पता। मान लो मैंने मैथमेटिक्स नंबर मिले सर, तो x प्लस के अंग्रेजी बराबर 30, अगर अंग्रेजी के नंबर निकालने हो तो x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो अंग्रेजी के नंबर निकल जाएंगे कितने, 30 माइनस x। यानी हेलो, अगर मैं मैथ वाले नंबर x मान लूं तो अंग्रेजी वाले कितने होंगे, 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 30 माइनस x 30 है। बात इतनी माता सुने, अगर मैं मैथ वाले नंबर x मान लूं तो अंग्रेजी वाले नंबर कितने होंगे, 30 माइनस x होंगे, नहीं होंगे, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आया। इस लाइन को मैं लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। माना शेफाली द्वारा तो हमने क्या मानना, हमने मैथ के अंक x माने, तो यहां यही लिखा है। माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक, किए गए अंक बराबर x, वर्ष कौन सा कह रहा है, अंक x में होगा, अंक पहले अंक ही होंगे, इन्हें कह रहे x वर्ष। माना उसके बाद लिखेंगे शेफाली द्वारा गणित की जगह अंग्रेजी अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक। अब बताओ अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त करे, कोई दिक्कत यहां तक? अब अगला सवाल, अगली लाइन पढ़ो, उसमें एक और सवाल है। यदि उसको गणित में दो अंक अधिक मिले, हेलो उस टाइम, इस टाइम उसके पास कितने अंक गणित में, एक्स, गणित में उसको दो अंक फालतू मिले तो एक्स प्लस दो नहीं जाएगा। जब उसने गणित में दो अंक अधिक प्राप्त किए, जब उसने उसने किसने शेफाली ने जब उसने गणित में दो अंक अंक दो अंक अधिक प्राप्त किए, बराबर x प्लस से कितना, दो। ये गणित के अंक उसमें जब दोनों दो अंक फालतू प्राप्त करे, उसने कहा अंग्रेजी में तीन अंक कम प्राप्त करे, क्योंकि अंग्रेजी में बच्चों को कम ही नंबर आवा, ऐसे समझ में। जब उसने किसी शेफाली ने गणित की जगह क्या जाएगा, अंग्रेजी में तीन अंक कम प्राप्त किए, तो इसमें तो तीन ही घटा देंगे, तो 30 माइनस एक्स माइनस तीन, तो 30 में तीन घटाएंगे तो बैठेगा 27 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बताओ जब उसने गणित में दो अंक अधिक प्राप्त करे तो उसके नंबर कितने हैं, एक्स प्लस दो। जब उसने अंग्रेजी में तीन अंक कम प्राप्त करे उसके नंबर कितने हैं, जब उसने गणित में दो अंक अधिक प्राप्त करे तो उसके अंक कितने हैं, एक्स प्लस दो। जब उसने अंग्रेजी में तीन अंक कम प्राप्त करे तो उसके नंबर कितने हैं, ये किसके अंक, मैथ के, ये किसके, अंग्रेजी के। अब सवाल पता क्या कहा गया, प्रश्न अनुसार का गुणन का सवाल में इनका दोनों का जो प्रोडक्ट है इसका और इसका गुणनफल, ये कह रखा है जो मैथ के और अंग्रेजी के नंबर आए ना उसके, उन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट 210 है सवाल। मैथ वाले नंबर कितने, एक्स प्लस के दो, उसके बाद अंग्रेजी वाले कितने बचे, बराबर 210। कोई दिक्कत है यहां तक, एक्स है, इस एक्स के दोनों में गुना कर देंगे
एक्स की 27 गुना कर दोगे 27 एक्स, एक्स के एक्स गुना कर दोगे एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं आता, एक्स की 27 गुना करो 27 एक्स, एक्स की एक्स गुना कर दोगे एक्स स्क्वायर, प्लस लगाओ, दो की 27 गुना कर दोगे 54, प्लस माइनस दो का एक्स गुना कर दोगे 2x बराबर 210। अब देखो एक्स वाले का एक्स वाले के साथ काम करेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे उठाकर, पहले यहां लिखोगे 27x में 2x घटाओ 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 54 बराबर 210। देखो यू स्क्वायर वाला ना हमेशा प्लस में होना चाहिए, सवाल करते वक्त ये प्लस में होना चाहिए, तो हम सारी सारी चीजें उठाकर उधर ले जाएंगे, तो इधर उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगी जीरो, तो जीरो बराबर इधर क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस का नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर देखो प्लस का हो चुका है, प्लस का हो चुका, 25x प्लस का माइनस का नहीं जाएगा, जाएगा माइनस के 25x हो चुका, यहाँ क्या लिखा हुआ प्लस के 210, प्लस के 210 लिखा हुआ, ये 54 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 54, अब जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25x 210 में 54 घटाओ, दो कितना 156, इसे इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के 25x प्लस के 156 बराबर जीरो, टुकड़े हो जाएंगे इसके 12-13, ऐसा पूछा 156 कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़ोगे 25 आता हो तो 12-13 नहीं जाएंगे, 12-13 जोड़ेंगे बैठा का 25 12 की 13 गुणा करेंगे 156 ही आएगा, आराम से कर लेंगे इस सवाल को, देखो इसके बाद यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, बात ना करो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस 156 बराबर 56, एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद 13 प्लस 12 13 12 25 नहीं होते, पीछे क्या लिखा हुआ एक्स 156 बराबर सिपुर एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा कर दो 13x प्लस माइनस माइनस गुणा कर दो 12x प्लस 56, दो 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 नीचे लाइन खींच दो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स नहीं बच जाने वाला यहाँ माइनस 13 माइनस 12 से कॉमन ले लो, एक्स अगले ब्रैकेट में ही बचा सेम, बिल्कुल खास बात हो इसकी, माइनस प्लस माइनस 12 से भाग दोगे 13 बच जाएगा बराबर कितना जीरो, जो चीज सेम होगी से एक बार लिख देंगे, इसे इकट्ठा करके लिख देंगे एक्स माइनस के 12 एक्स बराबर आ जाएगा 13 माइनस का इधर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 12 यहाँ एक्स बराबर 12 यहाँ एक्स बराबर 13, अब बताओ किसके, अगर तुम एक्स का मान 13 भी ले सको 12 भी ले सको एक ले लो कोई सा भी, अगर तुम 13 लोगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक आ जाएंगे, अंग्रेजी प्राप्त सॉरी मैथ में प्राप्त अंक आ जाएंगे कितने 13, और गणित तुम इसमें घटाओगे तो आंसर कितना जाएगा 13 में इसे घटाओगे तो आंसर अंग्रेजी के भी निकल आएंगे, तो जो अंग्रेजी के तो जो सा लेना हो ले लो आराम से, आया समझ में कोई दिक्कत, चलो नोट कर लो सर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबाई यदि बड़ी भुजा की लंबाई 30 मीटर हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, सवाल पढ़ लो आराम से, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, देखो बोर्ड पर पहले एक आयताकार खेत बनाएंगे, ये रहा हमारा आयताकार खेत, आयत क्या कर रहा खेत, आयत को तो जानते हो कौन था, आयत कौन थी, जब भी आज आयत का नाम आ जाना तो मेरे चेहरे पर खुद ही हंसी आ जाए, ए बी एक आयताकार जो खेत है ना, आयताकार का जो खेत है इधर हो जाओ, आयताकार जो खेत है उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से ना, उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा और बड़ी भुजा की लंबाई 30 मीटर, ये छोटी भुजा ये बड़ी भुजा ये छोटी भुजा, ये कहा आयताकार जो खेत का विकर्ण है, ये विकर्ण है इसका, ये रहा विकर्ण, रहा ना विकर्ण, इसे ऐसे बना सको कोई दिक्कत नहीं, मन मर्जी समझ में कोई दिक्कत, ये ऊपर लेवल नीचे लेवल दिक्कत जहां तक आगे चल सुबह, ये इसका जो विकर्ण है ना, इसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक, जब मुझे छोटी भुजा पता होगी तभी तो विकर्ण निकाल सकता हूं, उसने सवाल में यू कहा कि आयताकार जो खेत है ना, चाहे रेक्टेंगुलर जो फील्ड है, रेक्टेंगुलर जो फील्ड है उसका जो डायगोनल है उसका जो विकर्ण, आयताकार जो खेत है ना उसका जो विकर्ण डायगोनल उसका
डायगनल डायनी डायगनल थोड़ी देर में कहेंगे जिन फिर बोलेंगे छड़ावा इधर 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 तो जो आयताकार खेत है ना रिएक्टेंगुलर जो फील्ड उस आयताकार जो खेत है ना उसका जो डायगनल उसका जो विकर्ण वो ना उसकी छोटी भुजा से छोटी भुजा तो या होगी ये लंबी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक मुझे नहीं पता छोटी भुजा कितनी जो मुझे नहीं पता उसे क्या मान लूंगा मुझे नहीं पता छोटी भुजा कितनी आयताकार खेत की छोटी भुजा एक्स मान ली आयत में आयत की खूबसूरती हो एक आयत में तो खूबसूरती खूबसूरती उसके बारे में क्या कहने ये एक्स तो अभी कितनी होगी एक्स आयत की आयत में आई खूबसूरती हो उसकी आमने सामने भुजा बराबर हो आयत आमने सामने भुजा बराबर हो आयत की खूबसूरती हो उसको प्रत्येक कोण ना बढ़ेगी दिखाओ प्रत्येक कोण ना बढ़ेगी दिखाओ यह भुजा से भुजा बराबर हो उन्हें कहा भी बड़ी भुजा की लंबाई बताई उसने बड़ी भुजा की लंबाई बताई 30 मीटर बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है जो बड़ी भुजा ना वह ना छोटी भुजा से ना हेलो ना सुन लो ना ये ना 30 मीटर ना अधिक है ना ये कहा ना और ये कहा जो इसका विकर्ण है ना ये ना 60 मीटर अधिक लंबा है कितने मीटर अधिक लंबा है कैमरा ऑफ कर दो मैं अब सवाल सुनूंगा सवाल में क्या क्या बताएगा जो आयताकार खेत उसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा और जो उसकी बड़ी भुजा ना वो ना छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक ऐसा सवाल में कहा गया तो हम बताए तो हम पता क्या करना इस जो आयताकार खेत इसकी विमाई निकालनी डायमेंशन निकालनी इसकी विमाई निकालनी तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं इसकी विमाई कैसे निकालते हैं एक्स का मान निकालना जब एक्स का मान निकल जाने वाला एक्स का जितना मान आएगा उसमें 30 जोड़ देंगे वाली भुजा भी निकल जाएगी जब ये निकल जाएगी जितनी होगी इतनी होगी जितनी होगी इतनी होगी यानी अल्टीमेट गोल एक ही एक्स का मान निकालना किसका मान निकालना अगर तुम एक्स का मान निकाल दिया तो आराम से निकाल दोगे एक्स का सब कुछ आराम से निकाल ठीक मेन चीज पता क्या होगा तो फिर यहां एक्स का मान निकालना कैसा जा इसके अंदर तो एक द्विघात समीकरण बननी चाहिए तो द्विघात समीकरण है नहीं इसके अंदर बनानी पड़ेगी वो कैसे बनेगी इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तब जाकर वहां से तुम द्विघात समीकरण बनती दिखा देगी फिर उसके टुकड़े करोगे चले सवाल पहले जो हमने चित्र में माना उसमें यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 6 माना देखो आयताकार खेत नहीं आयो आयताकार खेत की भुजा छोटी भुजा कितनी माननी नेक्स्ट माना आयताकार खेत की छोटी भुजा आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर एक्स मीटर कोई दिक्कत बड़ी भुजा बताओ कितनी आई एक्स प्लस के मीटर विकर्ण एक्स प्लस के 60 मीटर कोई दिक्कत है आता इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज बी सी डी में बी सी डी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय से तुम हिंदी में लिखना पूरा पाइथागोरस प्रमेय से ठीक पीजीटी से पीजीटी का मतलब पाइथागोरस प्रमेय ठीक अब पाइथागोरस प्रमेय क्या हो ये हमारी ये जो ना भेड़ी के सामने भुजा हो ना भेड़ी के सामने भुजा हो ये हमारी कर्ण और जो यहाँ ये वाली भुजा हो ना इसे बोला लंब यह हो आधार तो पाइथागोरस प्रमेय हो हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर ये हो हमारी पाइथागोरस प्रमेय आ जाओ मान रख देते हैं इसके अंदर कर्ण कर्ण का मान बताओ एक्स प्लस 60 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस के 60 पूरे का होल स्क्वायर बराबर लंब लंब का मान कितना एक्स नहीं है एक्स और पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार आधार का मान कितना एक्स प्लस 30 नहीं एक्स प्लस के 30 पूरे का होल स्क्वायर कोई दिक्कत यहाँ तक ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा ए का मान कितना एक्स गुणा बी का मान कितना 60 इस सूत्र को खोलने के बाद ये दिखा दिया कुछ ऐसा बराबर बराबर ये क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस हम इस सूत्र खोल देंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 गुणा ए का मान कितना एक्स और बी का मान कितना 30 कोई दिक्कत है यहां तक
अब बताओ ये स्क्वायर है, ये वाला भी स्क्वायर है, बराबर बराबर तो कट जाते हैं, सेम सेम बराबर बराबर कुछ भी ना, सेम सेम है तो उड़ा दो, क्या कर दो, 60 का स्क्वायर करेंगे, 6 का 6 छिंग 36 नहीं होता, 360 6 छिंग 36, 36 से बैठेगा, हां तीन ये भाई 36 से बैठेगा, प्लस 60 दूनी कितना, 120 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 900 प्लस 30 दूनी 60x। अब क्या करने वाले, जो भी इधर लिखा हुआ ना उसे उधर लेकर जाने वाले, अब देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ बराबर लगा है, बराबर यहाँ इधर जीरो बच जाने वाली, इधर कुछ नहीं बचना, जीरो बच जाने वाले, सब उधर ले जाने वाले, एक्स वाले को एक्स वाले के पास, खाली वाले को खाली वाले के पास, चलो चांद के पास चलो, एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ, 60x लिखो पहले, चुप हो जाओ पहले 60x लिखो, बकवास नहीं चेतनी, ये 120x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस के 120x माइनस के 120x फिर क्या लिखा हुआ इधर 900 तो प्लस के 900 लिखो, माइनस उसके बाद माइनस के 3600 क्योंकि 3600 प्लस का था ना, देखो 3600 प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस 120 मतलब 60 घटाओ तो 120 में 60 घटाओ 60x से बच जाएंगे, लेकिन माइनस के बच जाने वाले क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, उसके बाद घटाओगे तो माइनस के 2700 माइनस के 2700 मेरे पास मोबाइल फोन था, इधर इधर गुणा कर दो, इधर इसे इधर कर देंगे, इसे इधर लिख देंगे, ऐसा दिखाई देगा एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700 बराबर में कितना, जीरो। जब मैंने बोर्ड के पेपर देते ना तभी पेपर में आया था सवाल 6 नंबर का, सेम सवाल मुझे याद आया, देखो 2700 घटा कर ऐसे टुकड़े चाहिए जो 60 बैठे, इसके टुकड़े होंगे 90 और 30 कितने, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 90 में 30 घटाओगे 60 बचेगा, 90 की 30 में गुणा करो 2700 आने वाला, समझ में आया बात या, उसके पीछे क्या लिख दोगे एक्स माइनस के कितना 2700 बराबर में जीरो। अब क्या करने वाले, एक्स के अंदर गुणा करने वाले और माइनस यहाँ प्लस बना देगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस माइनस माइनस प्लस 30x माइनस के 2700 बराबर जीरो। दो दो नीचे लाइन खींच देने वाले, लाइन खींच दोगे तो यहाँ एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी कॉमन ले लो, जब एक्स कॉमन ले लो यहाँ कितना बच जाएगा एक्स माइनस के 90 बचने वाला 90, 30 इसमें भी 30 इसमें भी कॉमन ले लो तो 30 कॉमन ले लोगे यहाँ कितना बच जाएगा एक्स माइनस के 3 3 9 90 नहीं बच जाएगा, मैंने बताया दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम बचता, 30 से भाग दोगे ना 2700 ही हो जाएगा आंसर बराबर कितना जीरो, लाइन खींच देंगे। ऐसी चीज देखो जो इसके अंदर भी, इसके अंदर भी एक्स माइनस के 90 बराबर जीरो, इसे इसे इकट्ठा करके लिख दो एक्स प्लस के 30 बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना जाएगा 90, यहाँ तक जाएगा एक्स का मान माइनस के 30, एक्स का मान माइनस के, तो माइनस वाला छोड़ नहीं देंगे क्योंकि किसी चीज की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, एक्स का मान कितना है 90, तो बताओ इसकी छोटी भुजा कितनी होगी 90 मीटर, 90 मीटर छोटी भुजा 90 मीटर होगी और बड़ी भुजा क्या करना है यहाँ निकलेंगे 90 में 30 जोड़ोगे तो बड़ी भुजा निकल जाएगी, तो 90 में 30 जोड़ोगे ना बैठेगा, ये वाली कितनी जाएगी 120, अगर हम कहने लगे विकर्ण निकाल लो तो यहाँ एक्स का मान 90 रख देंगे, 90 में 60 जोड़ो, 90 में 60 9 6 15 150 जाएगी, तो तीनों भुजा निकाल लोगे नहीं क्योंकि अब एक्स का मान निकल चुका है, तीनों भुजा निकाल लो आराम से प्यार के साथ, लिखो यहाँ लिखो छोटी भुजा, यहाँ लिखो बड़ी भुजा, यहाँ लिखो विकर्ण, ये मान भर भर कर आराम से निकाल लो, ये दिक्कत ही क्या, कोई दिक्कत कितने नंबर का आया 6 नंबर का, उतार लो रोको भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तुम्हें संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर, हाँ हाँ वही मतलब है कि नहीं, ये कहा सवाल में, सवाल में कहा गया दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग हम कब निकाल सकते हैं, जब निकाल सकते हैं जब बड़ी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, आ जाओ बड़ी संख्या मान लेंगे, माना माना बड़ी संख्या x, माना बड़ी संख्या बिगर नंबर बड़ी संख्या बराबर x तथा ओए, अब हम कहने लगे अब बड़ी संख्या का वर्ग करो, बड़ी संख्या का वर्ग तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या बैठा एक्स स्क्वायर, जिसका वर्ग करना उसका प्रघात 2 चढ़ा देंगे, बड़ी संख्या कितनी एक्स, अब बड़ी संख्या का वर्ग कितना, बड़ी संख्या का वर्ग तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना है एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका बड़ी संख्या का वर्ग, और उसने एक बात कही सवाल में
जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, सवाल ने को लिखा क्या लिखा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितनी है x, उसका कितना गुना, आठ गुना, छोटी संख्या का वर्ग। हिंदी में लिखी हुई चीज देखो क्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है, बड़ी संख्या का आठ गुना है, कितना बैठा का आठ एक्स, आठ एक्स क्या पता लग गया, आठ एक्स क्या बताओ, छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी चुपचाप बैठे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ, छोटी संख्या का वर्ग है वो, छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग कितना, छोटी संख्या का वर्ग कितना, दोनों नु वर्ग का दो संख्या उनके वर्गों का अंतर, इसे पहली संख्या मान लो, इसे दूसरी संख्या मान लो। अब सवाल हम प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार देखो क्या कह रखा, क्यों कह रखा सवाल में, जो पहली संख्या ना दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये पहली संख्या दोनों संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दूसरी संख्या दो संख्या दोनों के वर्गों का अंतर कितना, 180, पहली संख्या का वर्ग यानी इसका मान कितना दे रखा है, ये वर्ग है यहां से, इसकी जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर, कितना लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस, दूसरी संख्या का वर्ग, ये दूसरी संख्या का वर्ग है यहां से कितना, आठ एक्स बराबर कितना, ये पहली संख्या बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180, ये तो दो संख्या का वर्गों का अंतर, 180 प्लस का दर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस आठ एक्स माइनस 180 बराबर जीरो, 180 कैसे टुकड़े जिन्हें घटाने के बाद आठ आता हो, 18 माइनस 10, इसके टुकड़े होंगे 18 माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस कितना 10, पीछे के एक्स माइनस कितना 180 बराबर कितना जीरो, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस के, अभी ट्विस्ट नया सवाल में, माइनस माइनस प्लस 10x माइनस के 180 बराबर जीरो, सवाल पर ट्विस्ट है, मैं बताऊंगा कहां ट्विस्ट, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस के कितना 18, 10 कॉमन ले लो, एक्स माइनस कितना बैठा का 18 बराबर कितना जीरो, एक्स माइनस के 18, एक्स माइनस के 18 एक बार लिख दो लेकिन देंगे बराबर जीरो मान लो, एक्स प्लस के 10 बराबर कितना जीरो, एक्स बराबर कितना जाएगा 10, वो भी कहेंगे माइनस के छोड़ दो, एक्स बराबर कितना जाएगा 18 ले लो, ऐसे बजे इसे छोड़ दो इसे ले लो, एक्स का मान कितना आ गया 18, एक्स का मान 18 आया नहीं यार, जब एक्स का मान 18 आया इसका मतलब बड़ी संख्या है, अभी केवल अभी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या भी निकालनी, अब छोटी संख्या कहां तक निकलेगी, यहां तक निकलेगी, अब सवाल में क्या कह रखा है, छोटी संख्या का वर्ग, यहां देखो क्या लिख रखा है सवाल में, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ, वर्ग कितना 8 गुना एक्स, तो देखो यहां यहां लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या, अब यहां वर्ग हटाएंगे, यहां जो वर्ग हो इंगा जाकर रूट बन जाता उसका, जो वर्ग हो जब यहां मैं छोटी संख्या लिख रहा हूं, वर्ग नहीं लिख रहा, वर्ग हो इंगा जाकर बन जाए उसका रूट, तो छोटी संख्या इसका भी रूट बनेगा, हिंदी में हटा दिया मैंने, इंगा जाकर इसका रूट बन चुका, 8 गुना एक्स, एक्स का मान बताओ कितना, एक्स का मान 18 नहीं आया, 18 आया 18 144, और 144 का रूट हो 12, तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या कितनी है 18, तो छोटी संख्या तो 12 और बड़ी संख्या 18, ऐसे निकालना था, ये ट्विस्ट था, हां सी ट्विस्ट, ये तो ट्विस्टिंग, इतने से हमने लिखा छोटी संख्या वर्ग हटा दिया, वर्ग जाकर रूट बन गया, हिंदी में भी वर्ग जाकर रूट बन जा, आया समझ में, ये ट्विस्ट था, क्या था, कितने सवाल करवा दिया हम तुम्हें, 7, 3 सवाल हो रहा है, 3-4 सवाल हो रहा है, वो हम कल करेंगे सुबह 8:30 बजे, कितने बजे, सुबह 8:30 बजे करेंगे, आज के एपिसोड में इतने रख देते हैं, कल को पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।